हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टॉलीवुड हंगामा के इस नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहन चाबीवाला के वेब सीरीज के बारे में, जिसके तीसरे एपिसोड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, इसके तीसरे एपिसोड में हम देखते हैं कि मार्केट में एक मोहिनी नाम की लड़की शॉपिंग करने के लिए आती है, जो वाकई काफी खूबसूरत होती है, और उसको फिगर को देख कर मोहन के दिल में घंटी बजने लगती है, और उसके बाद मोहन मोहिनी के साथ पलंग तोड़ने का प्लान बना लेता है। अब मोहन छोटू के कान में ये सारा प्लान बना देता है कि उसको आगे क्या करना है। अब ये जो छोटू लड़का भी होता है, वो भी छिछोरे टाइप का होता है। अब वो मोहिनी के पास आता है और मोहिनी को बोलता है कि मैडम, मैं चाय बनाता हूँ और काफ़ी स्वादिष्ट चाय बनाता हूँ, आप चाय पिएगी तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन मोहिनी बोलती है कि मुझे चाय नहीं पीनी है। उसके बाद भी छोटू उसको फोर्स करता है और बोलता है कि 5 रुपये की चाय है, आप एक बार पी कर तो देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपको मज़ा नहीं आएगा तो मैं आपसे पैसे भी नहीं लूंगा। लेकिन दोस्तों, ये चाय पीना तो एक बहाना होता है। इसी बहाने से छोटू जो होता है, वो मोहिनी के घर की चाबी को मार देता है। मोहिनी घर जाकर फिर से मार्केट आती है और इस सब्जी वाले को बोलती है कि भाई साहब, मैंने अभी अभी आपके यहाँ से सब्जी खरीदी थी, रास्ते में मेरे मकान की चाबी कहीं गिर गई है, तो क्या आपको मिली है? अगर सब्जी वाला मना कर देता है, मोहिनी बोलती है कोई बात नहीं, अब आप मुझको इस चाबी बनाने वाले का पता बता दीजिए, क्योंकि मुझको चाबी बनवानी है। उसके बाद ये सब्जी वाला मोहिनी को मोहन का पता बता देता है। अब मोहिनी अपने घर के ताले की चाबी बनवाने के लिए मोहन को अपने घर पर लेकर आती है। यहाँ मोहन का ध्यान काम की तरफ कम और मोहिनी की तरफ ज्यादा होता है, और वो बोलती है कि तुम अपने काम में काम रखो, मैं किसी से फोन पर बात कर रही हूँ। उसके बाद दोस्तों, मोहन इसी तरह की एक नहीं दो चाबी बनाता है, जिसमें से एक को वो दे देता है और दूसरी अपनी जेब में रख देता है। उसके बाद मोहिनी बोलती है, अब तुमको मुझको पता ना है कि तुम्हारे कितने पैसे हुए, और वो मोहन बताता है कि मैडम, मैं ज़रूरतमंद लोगों से पैसे नहीं लेता, फिर भी आपकी इच्छा से जो देना हो दे दीजिए। मोहन के हाथों में मोहिनी 100 रुपये थमा देती है, तो उसमें से मोहन 50 रुपये रिटर्न कर देता है, और अगले दिन मोहन उसके घर में दूसरी चाबी लेके चोरी करने के बहाने से वापस आके उसका ताला खोल देता है और एंट्री मारता है, तो आज उसकी लॉटरी लग जाती है, क्योंकि घर के अंदर माल पानी ज्यादा होता है। अब मोहन माल समेटना शुरू कर देता है। इतने में दोस्तों, मोहिनी अपने यार को लेकर अपने घर पे आती है और मोहन अपनी जान बचाने के लिए कहीं छिप जाता है। मोहिनी अपने यार के साथ मजा लेना शुरू कर देती है और इन दोनों का ये गंदा वाला वीडियो मोहन अपने मोबाइल में बना लेता है। उसके बाद मोहिनी अपने यार को बोलती है कि एक बार और करते हैं और इस बार हम दूसरी पोजीशन में करेंगे। ये सुनते ही उसके बॉयफ्रेंड का दिमाग खराब हो जाता है और वो मोहिनी को बोलता है कि तुमको पता है कि मुझे मुंह लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे उससे उल्टी आती है, तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। उसके बाद वो गुस्से से वहां से चला जाता है और मोहिनी की प्यास अधूरी रह जाती है। मोहन अपने मन में सोचता है कि बेटा, लोहा गर्म है, आज तो मार दिया थोड़ा, उसमें ही तेरा फायदा है। उसके बाद दोस्तों, मोहन मोहिनी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ वाला गंदा वीडियो दिखाता है और मोहिनी को बताता है कि तुमको तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो मजा नहीं दे सकता, वो मजा मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद मोहिनी उसको कटी आंखों से देखती है और मोहन भी अपना काम जोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।